सोलन में एक दिन पहले हुई कांग्रेस की यूथ रैली को भाजपा ने फ्लॉप रैली बताया है। भाजपा के जिला अध्यक्ष भरत सानी ने कहा कि प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार ने 5 सालों में जनता के साथ अनदेखी की है, जिसका खामियाजा उन्हें आने वाले चुनावों में भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भीड़ एकत्रित न होने के कारण प्रदेश के युवा अध्यक्ष विक्रमादित्य सोलन के विश्राम गृह में विश्राम करते रहे और पार्टी के चंद कार्यकर्ता और लोग धूप में सड़ते रहे। उन्होंने कहा कि जैसे ही स्थानीय विधायक सभा में प्रवेश करते हैं तो जनता बाहर चली जाती है, जिससे इनके जनाधार का पता चलता है। वहीं दूसरी ओर सोलन कांग्रेस के प्रवक्ता जगमोहन मल्होत्रा ने युवा कांग्रेस की इस संकल्प रैली को कामयाब बताया और कहा कि रैली में पर्याप्त लोग थे, जिससे भाजपा में बौखलाहट है और यहां से पार्टी ने चुनाव का शंखनाद कर दिया है। वहीं विधायक के बारे में पूछे प्रश्न पर उन्होंने कहा कि जहां परिवार बड़ा होता है वहां खनक भी होती है और किसी भी तरह की नाराजगी को आपस में बैठकर दूर कर लिया जाएगा। सोलन में यदि कांग्रेस के विधायक की बात करें तो उन्हीं की पार्टी के लोग स्थानीय विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल कर बैठे हैं और उनका साफ कहना है कि इस बार वे विधायक का साथ नहीं देंगे। सोलन में भले ही मौसम का मिजाज सर्द हो गया हो, लेकिन चुनावी माहौल दिन प्रतिदिन गर्म होता जा रहा है, लेकिन अब देखना यही होगा कि आने वाले समय में ये बाजी कौन मारता है। Thank you.